दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए डीएम नॉलेज चैनल को, लाल कलर में लिखे इस सब्सक्राइब बटन को दबा करके, और दोस्तों जो बगल में आ रहा है घंटा उसे भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएम नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल को अपने टीवी या डीटीएच का रिमोट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि आप अपने मोबाइल को अपने टीवी या डीटीएच का रिमोट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर दोस्तों आपके मोबाइल में इंफ्रारेड सेंसर है यानी IR सेंसर होगा तभी ये ट्रिक काम करेगी, वरना नहीं काम करेगी। और दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी होगी, इसलिए चलते हैं प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर के सर्च बार में दोस्तों आपको टाइप करना है MI रिमोट। दोस्तों ये रेडमी के फ़ोन में पहले से उपलब्ध होता है, और दोस्तों अगर आपका फ़ोन रेडमी का नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों आप सर्च करिए MI रिमोट। आप जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों आपके सामने MI रिमोट आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसका आइकॉन देख लीजिए और इसकी रेटिंग भी दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो दोस्तों मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, इसे ओपन करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप MI रिमोट एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको ऐड रिमोट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको ऐड रिमोट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ऐड रिमोट पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सेटअप बॉक्स का करके दिखा देता हूँ। सेटअप बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों आपका जो कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फ्री वाला है DD फ्री डिश, तो मैं यहाँ पे DD फ्री डिश पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पावर देख सकते हैं। दोस्तों अब आपको अपना मोबाइल अपने DTH के सामने ले जाना होगा, और दोस्तों यहाँ पे आप पावर देख सकते हैं, आपको पावर पे क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों पावर पे क्लिक करने के बाद आपका TV कोई रिस्पांस देता है जैसे मैं ऑफ हो जाता है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये रिमोट आप पे काम करेगा। अगर दोस्तों नहीं ऑफ होता है तो यहाँ पे आपको 29 रिमोट मिल जाते हैं, 29 रिमोट आप ट्राई कर लीजिए बारी बारी से, तो दोस्तों आपका कोई ना कोई रिमोट ज़रूर काम करेगा 29 में से। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा पहला ही काम कर चुका है, और दोस्तों अगर आपका नहीं काम करता है तो आप नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ से बगल में निशान आप देख सकते हैं नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ढेर सारे रिमोट आ जाएंगे, तो उस पर क्लिक करके आप अपना रिमोट सेलेक्ट कर लीजिए जो आप पे काम करता हो। और अगर दोस्तों रिस्पांस करता है यानी कि अगर आपका TV ऑफ हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं नो और यस लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको यस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको बता दूं इस ऐप की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा TV ऑफ हो चुका है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अगला पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ पेयर्ड नीचे, तो दोस्तों आपको पेयर्ड पे फिर उसके बाद क्लिक करना है। दोस्तों मैं पेयर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे पेयर्ड पे क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरा रिमोट ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से मैं अपने रिमोट का सारा काम कर सकता हूँ, आगे कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ, वॉल्यूम तेज कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह आप सारे काम अपने रिमोट के यहीं से मोबाइल से कर लेंगे। और दोस्तों इसी तरह TV का प्रोसेस भी है, आप TV को भी इसी तरह से अपने कंपनी सेलेक्ट करके वहाँ पे सारी सेटिंग करके इस तरह अपना TV का भी रिमोट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको DTH का दिखा दिया, आप TV का ऐसे ही कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।